भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज। 2-0 से टीम इंडिया सीरीज में आगे। क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया कर सकती है प्लेइंग 11 में कई बदलाव। शिखर, कुलदीप, दीपक चाहर और आवेश खान को प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका। टीम इंडिया के टेस्ट स्पेशलिस्ट अजिंक्य रहाणे ने पूर्व कोच रवि शास्त्री पर उठाए सवाल। कहा, ऑस्ट्रेलिया में मिली सीरीज जीत के दौरान कई फैसले लिए, लेकिन ऐतिहासिक जीत का क्रेडिट कोई और ले गया। आलोचकों पर साधा अजिंक्य रहाणे ने निशाना। कहा, जो कहते हैं कि मुझ में और क्रिकेट नहीं बची, उन्हें क्रिकेट के बारे में नहीं पता। टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया दौरा और उससे पहले खेली है कई बेहतरीन पारियां। कल होगा आईपीएल का मेगा ऑक्शन। बेंगलुरु में सुबह 11 बजे होगी नीलामी की शुरुआत। 10 फ्रेंचाइजी लगाएगी 590 खिलाड़ियों पर बोली। आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच का बयान। कहा, टीम में अधिक संतुलन बनाने वाले खिलाड़ियों पर दाव लगाएगी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अपने कोर ग्रुप के खिलाड़ियों को किया है रिटेन। मेगा ऑक्शन से पहले अंडर 19 विश्व विजेता टीम के कप्तान यश धूल का बयान। कहा, रणजी ट्रॉफी के बबल में रहते हुए देखेंगे आईपीएल का मेगा ऑक्शन, लेकिन नीलामी से ज्यादा ध्यान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू पर। भारत के युवा क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मेगा ऑक्शन से पहले दिया बयान। कहा, मैं विराट भाई का बड़ा फैन, फिर से आरसीबी के साथ खेलना चाहता हूं आईपीएल। विराट, डिविलियर्स और मैक्सवेल के साथ बहुत कुछ सीखा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज। भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1:30 पर शुरू होगा मुकाबला। सिडनी में होगी दोनों टीमों के बीच भिड़ंत। भारत और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला कल। भारतीय समय अनुसार सुबह के 3:30 शुरू होगा मैच। क्वींसलैंड में होगी दोनों टीमों के बीच टक्कर। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।